नोकझोंक के तीन दिन बाद वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें जिलाध्यक्ष नारायण तिवारी का वीडियो वायरल हुआ है। देखिए देखिए ये मारने दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं जिलाध्यक्ष, ये देखिए हमको मारने दौड़ रहे हैं। दुर्गा से उलझे जिलाध्यक्ष हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, थाने हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, महामंत्री को थाने में बैठाया था और सूचना पर समर्थकों संग पहुंचे थे जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। एसपी और एसपी मौके पर पहुंचे थे और एसपी ने एसपी को सौंपी थी जांच। कोतवाली देहात परिसर दरोगा हैं जो अभी नए उम्र के हैं, उनको ये आभास नहीं हो पा रहा है कि हम जो है सरकार के सेवक हैं, तो जिस प्रकार उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे, तो उसी लिए हम लोग आए थे। ये योगी जी की सरकार है, ये जो है मुलायम सिंह की सरकार नहीं है। योगी जी की सरकार में हम गलती करेंगे तो हमको सजा मिलेगी और कोई सरकारी सेवक गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। हाँ देखिए देखिए ये मारने दौड़ रहे हैं हमको, ये हमको ये देखिए हमको मारने दौड़ रहे हैं, ये हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, हमको मारने की धमकी दे रहे हैं थाने के अंदर जो है। राजेश तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर से जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेश, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। इस मामले के सामने आने के बाद, वीडियो के वायरल होने के बाद, क्या कोई कार्रवाई की गई है? मैंने अभी तक फिलहाल इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि एसपी जो है वो इस समय फिलहाल जनपद से बाहर है और छुट्टी लेकर के गए हैं, तो इस वजह से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में एएसपी को जांच सौंपी गई थी और एएसपी के साथ सीओ जो है पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जो आज वीडियो वायरल हुआ ये तीन दिन पुराना वीडियो है और ये तब का वीडियो है जिस समय भाजपाइयों और पुलिस के बीच में थाने के अंदर, थाना कोतवाली देहात के अंदर तीखी झड़प हुई थी। क्योंकि भाजपाइयों का ये कहना था कि पुलिस वालों ने उनके जो क्षेत्रीय महामंत्री हैं उनके साथ अभद्रता की, उनको मारा पीटा और उनको काफी देर तक थाने के अंदर बैठाए रखा गया। जबकि पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की थी और यहाँ पे जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, उनको पीटने का प्रयास किया और उनके साथ अपशब्द कहे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है वो एएसपी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है और न ही उसका कोई नतीजा सामने आया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश।